विधायक हैं शशि भूषण जी, और जो हमेशा पार्लियामेंट के अंदर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, जिनके मुख्यमंत्री हो चाहे सीएम हो पीएम हो, सभी लोग गीत सुनते हैं। शशि जी, आज आप अंदर कार्यक्रम करके आ रहे होंगे, आपको कैसा लग रहा है, क्या है? देखिए, कार्यक्रम पहले ही रद्द कर दिया गया और था ही नहीं, और जो आप कह रहे हैं ना कि बहुजनों का प्रोग्राम था और ये बहुजनों ने बंद किया, अब पूछेंगे आप मुझसे कि बहुजनों ने कैसे बंद कर दिया। जिस मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता था, यानी सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता था, जिसके मंत्री थापरचंद गहलोत हैं, जो खुद शूद्र हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो थापरचंद गहलोत को मंत्री नहीं बन सकते थे कभी भी, लेकिन बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज वो मंत्री बने हुए हैं बीजेपी के चापलूसी करते हुए। लेकिन उसी थापरचंद गहलोत ने इस प्रोग्राम को रद्द किया और रात 26 अलीपुर को बंद किया, और थापरचंद गहलोत ने यह भी कहा है कि जब हमने इतना बड़ा सेंटर बना दिया है तो पार्लियामेंट में क्या आने की जरूरत है। उन आदमी को मैं बताना चाहता हूं, थापरचंद को बताना चाहता हूं कि थापरचंद, अगर बाबा साहब नहीं होते या तुम जब यहां मंत्री नहीं थे, तुम्हारे बाप दादे पैदा नहीं हुए थे, तब भी यहां पार्लियामेंट में आकर लोग श्रद्धांजलि लोगों बाबा साहब को देते थे, ये उन्हीं की बदौलत है। और बाबा साहब की बदौलत या पीछे जो लोग रहे उनकी मेहनत है, जो हमारे लोग जाके संसद को देखते थे, बाबा साहब को प्रणाम करते थे, और तुम कल से आकर यहाँ ये बता रहे हो कि हमने और मूर्तिमाएं बनवा दी तो वहाँ होगा, ये तुम्हारे बाप की जागीर है, ये तुम्हारे किसकी जागीर है? ये जिस पब्लिक ने, जिस बहुजन ने तुम्हें वहां पहुंचाया ना, यही पब्लिक तुम्हें बाहर निकलते ही, तुम्हारे मंत्री पद हटते ही तुम्हारा गिले मान पकड़ के ये पूछेगी कि तुमने किया क्या था, तुमने हमारे विरुद्ध काम किया था। और वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन ये सरकार गिरेगी तो मंत्री चंद थापरचंद गहलोत जैसे मंत्री पर लोग पिटाई करेंगे, इन जूतों से मारेंगे, इनके सरगंजे हो जाएंगे, वो दिन दूर नहीं है, ये मेरा ऐलान है, वादा है। आप सरकार पूरा होने दो। बहुत ही दुख की बात है, बहुजन समाज के जो बाबा साहब प्रेरणा स्रोत थे, आज उनके कार्यक्रम को भी बंद कर दिया गया है, जहाँ पे लोग अंदर बैठ के आनंद लिया करते थे, बाबा साहब के दर्शन किया करते थे, और पार्लियामेंट में जाने का शशि भूषण ने बताया कि अगली साल से हो सकता है अंदर दर्शन करने भी बंद हो सकते हैं। क्या कहते हैं शशि भूषण जी, ये एक सोची समझी राजनीति है या क्या है ये? देखिए, सोची समझी साजिश है। क्या साजिश है, जिसे हमेशा बहुजन समाज के लोग बोलते हैं, साजिश कौन सी साजिश है? हमारे लोग अंदर जाते थे, अपनी बात रखते थे, बाबा साहब के पार्लियामेंट पे नमन करते थे बाबा साहब को, लेकिन इनकी साजिश ये है, क्योंकि थापरचंद गहलोत तो आरएसएस के उन एक कोर कमेटी के मेंबर हैं, जहां उनको काफ़ी अच्छा वो है, और वो तो वो चीज़ है कि जैसे ये तो एक वो होता है ना, कुत्ते गले में पट्टा डाल दिया, कुत्ते को बस इशारा करना होता है, तुझे उस पर भोंकना है, वो करते हैं ना कुत्ते को, शी पकड़, तो वो उसी को पकड़ता है, उसी भोंकता है। तो आरएसएस के ये तो वो इस तरीके के लोग हैं कि ये बस जैसे भागवत कहता है ना कि तुझे उस पर भोंकना है तो भोंकेगा, भागवत कहेंगे थापरचंद उसको ऐसे करना है, थापरचंद वैसे ही करेगा, नहीं करेगा तो फिर उसकी औकात क्या है, उसको फिर वहाँ रखेंगे क्यों? और बहुत सारे चापलूस हैं, वो दिन आने वाला है। लेकिन आप इस बात से घबराइए नहीं, ये सरकार हमें मौका दे रही है, बहुजनों को मौका दिया है फिर से इकट्ठा होने का, उनको लड़ने का, उनके संगठित होने का, उनके संघर्ष करने के लिए। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूँ इस आरएसएस सरकार का, कहे सरकार ऐसा सरकार धन्यवाद कि तेरे जो इस तरीके के तूने वार्तालाप किया है उसकी वजह से हमारा बहुजन फिर एक हो रहा है। एक हो रहा है तो वो इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा तो वो लड़ेगा, और लड़ेगा तो अपने हक छीनेगा और तुम्हें यहाँ से भगाएगा। वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है, और ये वक्त मैं खुद देखते हुए जाऊँगा, आप खुद देखेंगे इस नज़रिए को, वो बहुत जल्दी दिन आने वाला है।